और अब बात करते हैं रीवा जिले के मऊगंज क्षेत्र की, जहां समूचे जिले में पंचायत चुनाव को लेकर पुलिस और प्रशासन आमजनों को सुरक्षा का एहसास करने के लिए अलर्ट है। चुनाव में किसी प्रकार का खलल ना पड़े, इसके लिए पुलिस अधीक्षक रीवा के द्वारा सुरक्षा के चाक चौबंद उपाय किए जा रहे हैं। शांति और व्यवस्था में खलल डालने वालों के खिलाफ कार्रवाई की बात की जा रही है। और ऐसे में मऊगंज में दर्जनों बड़े अपराध जैसे हत्या के प्रयास, लूट, मारपीट का आरोपी कल्लू जायसवाल पिता मोहन जायसवाल खुलेआम वसूली करते हुए लोगों के साथ मारपीट कर आतंक का माहौल निर्मित कर रहा है। बीती रात सातेर बदमाश कल्लू जायसवाल गाड़ा मोड़ पर अपने साथी के साथ वेल्डिंग कर रहे कारीगर को रास्ते में रोक कर रुपयों की मांग की, जिसके बाद वो भाग कर अपनी दुकान पहुंचा, जहां बाद में कल्लू जायसवाल भी वहां पहुंचकर मारपीट शुरू कर दिया। तो बीच बचाव करने के लिए आगे आए दुकान मालिक अलाउद्दीन खान को मारते हुए लहूलुहान कर दिया। बताया जाता है कि कल्लू जायसवाल इसके बाद सरपंच पद के प्रत्याशी सबीर खान पर तलवार और कटाड़ा दिया, जिसके बाद वो जान बचाकर गांव की तरफ भागा। मारपीट में घायल अलाउद्दीन का कहना है कि घटित घटना की शिकायत को लेकर वो मऊगंज थाने पहुंचा, तो उसकी शिकायत दर्ज करने के बजाय मऊगंज थाने में पदस्थ ASI दिलराज सिंह चौहान आरोपियों का बचाव करते हुए नजर आए और कहा, रिपोर्ट में कुछ नहीं रखा है, दवा करवा कर घर चले जाओ, पुलिस नोटिस भर देगी, विवाद मत बढ़ाओ। तब जाकर पीड़ितों ने अपनी पीड़ा मीडिया के माध्यम से SDOP और थाना प्रभारी तक पहुंचाई और रिपोर्ट लिखी गई, लेकिन उसमें रुपए की मांग को लेकर उनके कथनानुसार मारपीट का जिक्र नहीं किया गया। इससे एक बार फिर से अपराधी को बड़ी वारदातों को मौका देते हुए उक्त SI मऊगंज की शांति और सुरक्षा व्यवस्था को खतरे में डालने का काम कर रहे हैं। कहा तो ये भी जाता है कि मऊगंज थाने में पदस्थ ASI दिलराज सिंह बेलगाम और थाना प्रभारी के नियंत्रण से बाहर हैं। बीते वर्ष अपनी लेन देन की प्रवृत्ति के चलते विवादास्पद और गंभीर आरोपों में अक्सर घिरे रहे हैं, लेकिन मऊगंज पुलिस प्रशासन के जिम्मेदार अधिकारी ने इन पर लगाम लगाने की बजाय इनकी काली करतूतों पर पर्दा डालते रहने का काम किया है, जिसकी वजह से चुनाव के दौरान मऊगंज में शांति सुरक्षा व्यवस्था खतरे में दिख रही है। मऊगंज पुलिस की नाक में दम करने वाला ये आरोपी इतना सातिर है कि बीते वर्ष वाहन चोरी के मामले में पकड़े जाने के बाद मऊगंज पुलिस की कस्टडी से भी भाग चुका है। इस तरह से अपराधियों के बचाव कर रहे ASI के खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होना आने वाले समय में मऊगंज की कानून व्यवस्था के लिए घातक साबित होगा। विराट 24 न्यूज के लिए मऊगंज से राजेश दुबे की रिपोर्ट। नाम क्या है? मेरा नाम अलाउद्दीन खान। पिताजी का नाम? मोहम्मद समीम खान। ग्राम? खजुरहान। आप क्या व्यवसाय करते हैं? मैं बिल्डिंग की दुकान। बिल्डिंग की दुकान, तो आज क्या ये मामला हुआ? आज मामला ये हुआ कि मेरा मिस्त्री घर से आ रहा था, रास्ते में उसको छेक कर उसके पैसे उसी को मार किए और उसके साथ मारपीट की। मारपीट करने के बाद जब मेरे पास वो भाग कर वहाँ से मेरे पास आया तो दुकान भी मारपीट करने चले, अंदर मिस्त्री चला गया तो अंदर दुकान के अंदर जा रहे थे, तो हमने उन्हें रोकने की कोशिश की। इसी बीच बचाव में दोनों मिस्त्री को मारे, विजय कुशवाहा और अरमान खान को, दोनों को मारे, दो लोग मिलकर कल्लू और सद्दाम। इसके बाद जब उनसे मैंने छुड़ाने की कोशिश की, फिर वहीं पे पास रखा पत्थर मेरे सर पे मार दिए, मैं गिर गया। इसके बाद मैं चला आया। इसके बाद क्या हुआ? फिर वहाँ से हमने थाना आया IR कराने। अकेले की वो जिनके साथ घटना हुई होगी? वो साथ में थे। तो यहाँ की जो SI हैं दिलराज सिंह, उनके द्वारा मतलब ये बोला गया था कि क्या होगा इस केस में, छोटी सी मारपीट है तो इसमें कहा कोई कार्रवाई होगी, नोटिस पर जाएगी, फार्मेसी आप SIR लिख के दे दीजिए, आप अपने आवेदन लिख पढ़ा के दे दीजिए, हमें हम देख लेंगे। इसके बाद में हेलो तो कई घंटों तक इंतजार किया। इंतजार करने के बाद जब नहीं मेरी कोई सुनवाई नहीं हुई तो मैं स्थानीय पत्रकारों से संपर्क किया, उनके द्वारा जो बात हुई तब जाके मेरी FIR लिखी गई, लेकिन FIR अपनी मनमानी लिखी गई, जो वारदात हुई है उससे हट के लिखी गई है, उसमें पैसे की मांग वगैरह जो पैसे की मारपीट जिस कारण से मारपीट हुई, अच्छा उसका जिक्र नहीं है, उसका जिक्र ही नहीं किया गया। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर पुलिस उसको बोले कि अब ये भी बोला गया कि धमकी दिए गए जाके कि तुम्हारी दुकान में चोरी करवा देंगे, आग लगवा देंगे। आज धमकी दिए हैं? हाँ, आज धमकी दिए। क्या नाम है? अरमान खान। पिता? अब्दुल हकीम खान। ग्राम क्या है आपका? गांव खजुरहान। खजुरहान, क्या आज कौन सी किस तरह से घटना हुई आपके साथ? हम चले आते थे घर दोपहर खाना खा के। कितने बजे? 3 बजे। हाँ, तो रास्ते में मिले, मेरे को मारने लगे। कौन थे ये लोग? सद्दाम और कल्लू। कल्लू कौन है, उसका पूरा नाम? जायसवाल। कल्लू जायसवाल। अच्छा,
कितने की संख्या में थे ये लोग? दो आदमी। कहाँ से थे? दो चका थे। दो चका से थे। ये कहाँ पर मिले? ये हमको गड़ाई में। हैं? गड़ाई। ये कहाँ पे है? ये गाड़ा नदी के नीचे है। हाँ, तो क्या हुआ? इसके बाद हमको लपट के मारने लगे। काहे क्यों मारने लगे? ये बोला पैसा मेरे को दो। हाँ। हम बोला मेरे पास पैसा नहीं है। पैसा काहे के लिए मांग रहे थे? पैसा मांग रहे थे दारू पीने के लिए। हाँ। हम बोला हमारे पास पैसा नहीं है। फिर क्या हुआ? इसके बाद हमको पकड़ के घुटकी मुर्गेटी। हाँ, फिर इसके बाद हम भाग के आया दुकान पर। दुकान पर जब आ गए, इसके बाद मेरे को बोले कि हमारे मालिक रहे अलाउद्दीन खान और विजय खान रहे, विजय कुशवाहा जी। इसके बाद फिर दोनों जन को मारने लगे, हमको मार के पटक दिए और फिर हमारे मालिक को मारे, फिर पत्थर मार दिए। इसके बाद फिर हम धमकी देने लगे